एक तो ईवीएम की मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर सीसीटीवी कैमरा हर स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए। कुछ जगह स्ट्रांग रूम का कंट्रोल कलेक्टर द्वारा अपने कक्ष में रखने की बात हो रही थी, जिस पर आपत्तियां की गई हैं, और ये सबको सार्वजनिक रूप से दिखना चाहिए। कांग्रेस के प्रत्याशियों को वहां रुकने की अनुमति कई जगह नहीं दी जा रही है, अनुमति दी जाना चाहिए। और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने एक निर्देश दिया है कि सभी ईवीएम जहां स्ट्रांग रूम में रखे गए वहां जैमर लगाने की अनुमति मांगी जाए, तो आज इस आशय का भी एक पत्र दिया जा रहा है कि जैमर लगाए जाएं। इन सब के अतिरिक्त एक और विषय है कि जो मतदान दल के कर्मचारी थे उनको डाक मत पत्र जारी किया जा रहा है, परंतु उन पर दबाव डाला जा रहा है कलेक्टर और एसपी के द्वारा कि डाक मत पत्र उनके सामने दिखा करके वोट डाले जाएं। इस तरीके से कहीं न कहीं कलेक्टर और एसपी के द्वारा डाक मत पत्र में दबाव डाल करके वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराए जाने की भी बात पता चली है। इसकी भी शिकायत प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है।